अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर लोगों की, लाइन से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं या ट्यूब स्लाइडिंग कर रहे हैं, उधर एक्टिविटी हो रही है। और आगे देखेंगे तो उधर स्केटिंग की एक्टिविटी हो रही है। ये सारा रोहतांग पास वाला माउंटेन है, क्योंकि ये आगे चले जाएंगे, ये रास्ता चले आता है रोहतांग पास की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज का भ्रमण करवाने वाले हैं कोकसर विलेज और कोकसर स्नो पॉइंट, जो मनाली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अटल टनल से 9 किलोमीटर राइट हैंड साइड चलेंगे रोहतांग पास वाले हाईवे पर, तो उधर आता है ये कोकसर विलेज, जो लाहौल वैली का लास्ट विलेज है। और यहाँ से रोहतांग पास काफ़ी नज़दीक है, 17 या 18 किलोमीटर है इस तरफ से यदि रोहतांग पास जाएंगे। और जो लोग स्पीति वैली जाते हैं इधर से ही आगे होते हुए जाते हैं, तो यहाँ का माहौल दिखाऊंगा अभी कोकसर का क्या है इस समय। तो मैं हूँ अभी कोकसर विलेज के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो दूर उधर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है कोकसर गाँव की दूरी, और यहाँ पर है कोकसर का मार्केट छोटा सा इस तरफ, और कुछ घर बने हुए हैं, कुछ गेस्ट हाउसेस और होटल भी बने हुए हैं। और सामने नीचे बह रही है चंद्रा नदी, यही अटल टनल होते हुए आगे चली जाती है। और आगे जाएंगे तो पुलिस चेक पोस्ट आगे है कोकसर का, और इस चंद्रा रिवर के ऊपर ही ये ब्रिज बना हुआ है। तो यही जगह कहलाता है कोकसर विलेज के नाम से, और जब से अटल टनल बना है तो ये जगह काफ़ी फेमस हो रखा है, काफ़ी पॉपुलर हो रखा है लोगों के बीच में, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है फिर भी यहाँ पर बर्फ़ देखिए चारों ओर, जिधर नज़र जाएगा आपको अच्छा खासा स्नो ही स्नो दिखाई देगा। ऐसे भी इस साल ज़्यादा बर्फबारी हुई पिछले साल के मुकाबले में। तो ये तो इधर से रोड जाता है ऊपर की तरफ, इधर शॉर्टकट से चलते हैं, बर्फ़ जमी हुई है। फिलहाल तो रोहतांग पास बंद है और स्पीति वैली भी नहीं जा सकते हैं, उसका भी रास्ता भी बंद है। कुछ ही दिन पहले ये कोकसर विजिट करने के लिए खुला है, खासकर टूरिस्ट के लिए, लोकल गांव वालों के लिए अलाउड था आना जाना, लेकिन टूरिस्ट के लिए अभी कुछ दिन पहले ही खुला है, क्योंकि रोड क्लीन हुआ है तो फिर इस तरफ प्रशासन टूरिस्ट को भेज रही है। तो ये रोड के पास आ गए हैं, तो इसके दोनों तरफ अच्छी खासी बर्फ़ है अभी भी जमी हुई, और स्टॉल लग रखे हैं, फूड स्टॉल, छोटे छोटे स्नो ड्रेस पहनना हो उसका भी काउंटर लगा हुआ है। लोग ऊपर तक जा रखे हैं एकदम टॉप पर चढ़ चढ़ के, क्योंकि स्नो तो लगभग सभी जगह ही है। तो यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, 10,000 फीट से भी ज़्यादा, अटल टनल से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है कंपेयर करेंगे तो अटल टनल के पास उस तरफ में। तो पहले यहाँ विजिट नहीं कर सकते थे, अटल टनल बनने के बाद यहाँ विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अटल टनल बंद है फिर भी विजिट कर रहे हैं, मतलब रोहतांग पास बंद है फिर भी इधर विजिट कर रहे हैं। पहले रोहतांग पास तक लोग आते थे और घूमकर वापस चले आते थे। कोकसर विजिट करना हो तो कैसे करेंगे, स्कूटी से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं, टैक्सी से ही अपने पर्सनल कार लेके आ सकते हैं। मनाली से यहाँ विजिट करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाएगा, और अप्रैल के महीने यहाँ विजिट करेंगे तो अच्छी खासी बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी। तो ये पहुँच गए हैं कोकसर के मेन मार्केट के पास, और यहीं पर पुलिस का चेक पोस्ट भी बना हुआ है। रोहतांग पास 21 किलोमीटर, मनाली इधर से जाएंगे रोहतांग पास होते हुए तो 72 किलोमीटर, और ग्रम्फू 6 किलोमीटर, इधर से स्पीति वैली का रास्ता कट जाता है। इधर छोटे छोटे रेस्टोरेंट इस तरफ रोड के बगल में, देखिए कितना स्नो है, तो सभी जगह स्नो पॉइंट बन रखा है। विंटर के समय में यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च में मार्केट बंद हो जाता है, सब कुछ क्लोज, तो बर्फ ही रहती है रास्ते में, आएंगे जाएंगे कैसे। लेकिन अब जाके ये इस साल लेट खुला है, पिछले साल तो मार्च में ओपन हो गया था,
इस साल जाके ये अप्रैल में ओपन हुआ ये जगह इस तरफ। तो खाने पीने के लिए तो दुनिया भर के ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं। चंद्रा ढाबा चंद्रा नदी के नाम पर ही बना हुआ है। इस तरफ आगे चलते हैं, आगे स्नो पॉइंट है बना हुआ, और देखेंगे वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। यदि हाल फिलहाल आप विजिट कर रहे हैं, कितना फीट बर्फ़ है, कब तक यहाँ विजिट करेंगे, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली स्नो देखने के लिए मिल जाएगा। तो कोक्सर में खुला खुला है चारों तरफ, और जो यहाँ से मैं देख रहा हूँ राइट हैंड साइड जो माउंटेन है उधर अच्छे खासे बर्फ़ है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कम स्नो है क्योंकि धूप गिरती है तो वो फिर पिघल जाता है। इधर देखेंगे तो इधर भी स्नो पॉइंट बन रखा है, एक गुलाबी कलर की बॉल है, रोलिंग बॉल, वो वाली एक्टिविटी हो रही है शायद वहाँ पर। तो चारों तरफ अच्छा खासा स्नो है, रोड के बगल में तो 2.5-3 फीट तक बर्फ जमा हुआ है इस तरफ। तो इधर अच्छे खासे लोग विजिट कर रहे हैं, स्नो शू पहनना हो, स्नो ड्रेस मिलता है 250 में जूते के साथ तो वो पहन सकते हैं। एक दूर दिखाई दे रहा है, उधर भी स्नो पॉइंट है, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा हो, आगे चल के दिखाऊंगा बताऊंगा। तो अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ विजिट कर सकते हैं बिल्कुल। एक काउंटर बना हुआ है जिप लाइन की एक्टिविटी करना हो तो जिप लाइन की एक्टिविटी यहाँ पर पहुँच कर सकते हैं। और इधर से नीचे की तरफ जाना है क्योंकि वहीं पर हाल फिलहाल अभी उधर बर्फ है, फ्लैट सरफेस है, तो उधर ही स्नो पॉइंट बना रखा है। पूरा फ्लैट ग्राउंड है जहाँ तक नज़र जाएगा, ये खेत हुआ करते हैं। अभी बर्फ जमी है, बर्फ पिघल जाएगा तो यहाँ पर खेती चालू हो जाती है, आलू और मटर और गोभी की खेती होती है आमतौर पर लाहौल वैली में। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर लोगों की, लाइन से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं या ट्यूब स्लाइडिंग कर रहे हैं, उधर एक्टिविटी हो रही है, बर्फ़ से खेत के मार रहे हैं। तो सारा ये ग्रुप लग रहा है। नीचे की तरफ भी देखेंगे, फ्लैट ग्राउंड है बिल्कुल। और आगे चल के देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर पहुँच कर। तो आ गए हैं बिल्कुल नीचे, यहाँ समतल है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है फिसलने की। यहाँ पर हर कोई आ रखे हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। और आगे देखेंगे तो उधर स्केटिंग की एक्टिविटी हो रही है। इन फ्लैट ग्राउंड तो नहीं चाहिए स्केटिंग के लिए, स्लोप वाला रहे तो अच्छा है, फिर भी शौक तो पूरा कर ही सकते हैं यहाँ पर पहुँच के, वही बात है शौक को फुलफिल करना। तो यहाँ पे स्केटिंग की एक्टिविटी हो रही है, ट्यूब स्लाइडिंग की एक्टिविटी हो रही है, फूड स्टॉल है दुनिया भर के लगे हुए, और ये स्नो पीक माउंटेन ऊंचा वाला, तो काफ़ी ऊंचा है स्नो पीक माउंटेन यहाँ का। ये सारा रोहतांग पास वाला माउंटेन है क्योंकि ये आगे चले जाएंगे, ये रास्ता चले आता है रोहतांग पास की तरफ। तो अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पर और अच्छी खासी बर्फ भी है इस समय। मनाली में विजिट करने का प्लान है, रोहतांग पास तो फिलहाल बंद है। रोहतांग पास शायद मई फर्स्ट वीक या अप्रैल लास्ट वीक में खुले, कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन अच्छा खासा स्नो देखना है, बर्फ़ देखना है तो सीधा कोक्सर आ जाइए। अटल टनल से राइट हैंड साइड लेते हुए इधर पहुंच जाएंगे तो पूरा अप्रैल लगभग यहां पर बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो जितना जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा बर्फ़ मिलेगा, लास्ट अप्रैल में आएंगे तो थोड़ा कम बर्फ़ मिलेगा, लेकिन बर्फ़ मिल ही जाएगा क्योंकि रोहतांग पास खुलेगा तभी उस तरफ जा पाएंगे। रोहतांग पास खुलेगा नहीं तो फिर रोहतांग पास नहीं जा पाएंगे ज़्यादा बर्फ देखने के लिए, तो इधर ही विजिट करना पड़ेगा आपको खासकर इस तरफ। तो इजी भी है, परमिट की भी ज़रूरत नहीं है विजिट करने के लिए। रोहतांग पास जाते हैं तो परमिट बनवाना पड़ता है एक दिन पहले ही, उसके बाद ही रोहतांग पास जा सकते हैं, यहाँ तो परमिट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आराम से यहाँ पर 1.5 घंटे में गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पर पहुँच जाइए। और दिल्ली की तरफ गर्मी है लेकिन अप्रैल के महीने में यहाँ विजिट करके आप ठंड का एहसास ले सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
कोक्सर स्नो पॉइंट के रिगार्डिंग, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें, इसी तरह के ब्यूटीफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।